फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के एक अध्याय अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों पर, जो प्रश्न हमारे विभिन्न एग्ज़ाम SSC या बैंक्स पर पूछे जाते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। तो सभी व्यूअर्स पे एक मेरा विनम्र निवेदन है कि पूरे वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत से लेकर के लास्ट में हम वो टॉपिक्स आपको बताएंगे जो मेरी खुद की अप्रोच के द्वारा हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला मैंने बताया कि मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों की मैं व्याख्या करूँगा। तो पहले बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला यानी हमने पहले से ही डिराइव करके रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखा जाए तो जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 26। यानी अगर हम इस सीरीज को दो भागों में बांट लें, कितने भागों में, दो भागों में, यानी पहला भाग ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक, दूसरा भाग एन से लेकर जेड तक। अगर यहाँ से अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स की अगर बात करें, अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स की बात करें तो ए से लेकर एम तक लेटर कितने होते हैं, 13। ऐसे एन से लेकर जेड तक की बात करें तो लेटर्स कितने होते हैं, 13। यानी पूरी सीरीज को हमने दो अर्धांशों में बांट लिया। पहला अर्धांश ए से लेकर एम तक जिसमें 13 लेटर्स होते हैं, दूसरा अर्धांश एन से लेकर जेड तक जिसमें 13 लेटर्स होते हैं। ठीक इस पैटर्न के आधार पर हमसे एग्जाम में किस तरीके से इस सीरीज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको समझने से पहले हम इस सीरीज का दायां और बायां सीख लेते हैं। हमने जनरल बुक्स में भी पढ़ा होगा कि किसी भी अल्फ़ाबेट का, किसी भी सीरीज का, किसी भी अक्षर का स्वयं में कोई भी दायां बायां नहीं होता है। हमारा जो दायां बायां होता है वही उस अक्षर का भी दायां बायां होता है। दायां बायां से मतलब यानी कि लेफ्ट और राइट। अगर हम लेफ्ट को देखेंगे तो लेफ्ट क्या होता है, बायां होता है। अगर हम इस साइड को देखेंगे तो ये क्या साइड है, ये आपकी राइट साइड है। राइट साइड मतलब क्या, दायां हो गया। ठीक, यानी हम अगर अपने राइट की बात करेंगे यानी किस साइड में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे। ठीक है, पक्का? ठीक। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस अंग्रेजी वर्णमाला में हमें लेफ्ट से पहला लेटर बताओ, तो लेफ्ट से पहला लेटर हमें क्या दिखा, यहाँ पर क्या दिखा, ए। हमने क्या बता देंगे, फटाक से ए बोल देंगे। जैसे मैंने कहा लेफ्ट से दसवां लेटर बताओ, तो लेफ्ट से दसवां लेटर क्या, लेफ्ट से दसवां लेटर मतलब जे। अब इन वर्ड्स की पोजीशन को भी याद करने के लिए आप विभिन्न तरीके सोच के बैठे होंगे, या देखो कराने को मैं भी करवा सकता हूँ कि भाई कुछ नहीं, ए का मतलब भाई वन होता है, बी का मतलब टू होता है, और आप एक माइंड में भी पढ़ के रखे होंगे ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25। यार देखो यार, इन सब चीज़ों के लिए यार मेरे पास इतना टाइम भी नहीं हो, आपके पास भी सीधी सी बात है भाई टाइम नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हम उन कॉन्सेप्ट को बताना चाहते हैं जो मेरी खुद की अप्रोच है, मैं खुद की चीज़ों से बहुत जल्दी कर ले जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना यार मैं अपने तरीके नहीं आप पे थोपना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप ही उन चीज़ों को करें कि आप कैसे मेमोराइज करते हैं। मैं आपसे बोलने के लिए कह दूंगा भैया देखिए यच है, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 8 लगने लगा। यार हुआ क्या, मैंने एक फिर से तुम्हें एक रट्टा मारने का तरीका सिखा दिया, ये जो कि मैं नहीं करने आया। मैं चीज़ों को आपको रियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं क्यों होती हैं यार वो बताने आया हूँ। तो यार हो सके तो अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे कि नहीं मुझे ऐसा भी वीडियो चाहिए जो मुझे इन वर्ड्स की पोजीशन बताए कैसे हम याद करें, तो वो भी हम बना देंगे, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद ही इन सब चीज़ों को मेमोराइज़ करें। तो यार इन पे हम टाइम में दे करके सीधे पॉइंट पर आते हैं। जैसे हमने कहा लेफ्ट से दसवां लेटर चाहिए, तो लेफ्ट से दसवां लेटर होता कौन सा है, जे होता है। ऐसे मैं कहूँ लेफ्ट से बारहवां लेटर होता है, तो लेफ्ट से बारहवां लेटर कौन सा, एल हो जाएगा। ठीक है, पक्का? लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को अब ऐसा तो इजीली इतना इजीली नहीं पूछेगा कि अच्छा लेफ्ट से पहला लेटर बताइए, लेफ्ट से बारहवां लेटर बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन को अपग्रेड करके पूछेगा, कैसे, वो कहेगा कि इस अंग्रेजी वर्णमाला पर, अब इस बात को समझ पा रहे हैं, एल एल मतलब भाई हमारा एल से मतलब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट, पक्का ना। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, उसने आपसे कहा कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से दसवें के राइट 15वां लेटर चाहिए। यानी क्वेश्चन देखिए, अभी आपसे जनरली आपसे क्या पूछ रहा था, आपको कह रहा था कि लेफ्ट से हमें 12वां लेटर चाहिए। अब डायरेक्टली सीधे मेमोराइज करके रखें फटाक से, हमने 12वां लेटर एल बता दिया। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन उसने अपडेट करके पूछा, उसने कहा कि जो वर्ड लेफ्ट से दसवां है उस लेटर के हमें राइट 15वां लेटर चाहिए, पक्का ना। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपको मिल गई, क्या कि लेफ्ट और राइट दो डायरेक्शन मिल गई एक ही वर्ड की। अब एक चीज़ आपने पढ़ी होगी क्या, कि जब कभी किसी भी वर्डिंग में या किसी भी सीरीज में हमें एक ही डायरेक्शन मिल जाए, यानी कि हमें लेफ्ट लेफ्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, लेफ्ट लेफ्ट मिल जाए, तो हमें क्या करना है, उस डायरेक्शन में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है, क्या कर देना है, घटा देना है। यानी राइट राइट मिल जाए,
क्या करना है, राइट राइट में राइट राइट को भी क्या कर देना है, घटा देना है। ऐसे ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो आपने सीख लिया कि माइनस करना, ऐसे ही अगर अपोजिट डायरेक्शन मिल जाए, यानी कि लेफ्ट और किसके साथ हो, राइट के साथ हो, तो क्या करना है, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट भी भैया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी आपको दो चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली, क्या कभी भी जब किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी लेटर का दायां बायां पूछा जाए, अगर दो दो पोजीशन दी जाती है, लेफ्ट लेफ्ट दी जाएगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे, राइट राइट दी गई है तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस कर देंगे। तो इस कनेक्टिव, अब जैसे हमें एग्जाम को इसको याद कैसे रखना है, अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं तो क्या करना है कि इस डायरेक्शन, जब थोड़ा कनेक्टिविटी यूज़ करिए, कनेक्टिविटी कैसे, जैसे आप ट्रेन का चैप्टर आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब सेम डायरेक्शन होती है, जब ट्रेनें एक ही स्पीड में जा रही होती होंगी तो क्या करते थे, घटा देते थे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें आ रही होती तो क्या करते थे, जोड़ देते थे, स्पीड जुड़ जाती थी ना। तो यार ये सब चीज़ें ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप इस चीज़ को यूज़ करो, यार जहाँ भी आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो वहाँ पर कनेक्टिविटी यूज़ किया करिए कि कैसे हम चीज़ों को मेमोराइज कर रखें, ठीक है। चलिए इन सब चीज़ों में समय ना दे करके हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे उन्होंने कहा लेफ्ट से दसवें के राइट पंद्रमा, तो यानी कि अब डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट डायरेक्शन थी। अपोजिट डायरेक्शन में मैंने आपको क्या बताया, साइड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि मान कौन सा चाहिए, 10 प्लस 15, यानी कि मान कौन सा उसे चाहिए, 25वां। लेकिन 25वां कहाँ से, लेफ्ट से 25वां, तो लेफ्ट से 25वां लेटर होता कौन सा है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, वाई हो जाएगा, पक्का ना, क्लियर, ठीक। हमने कहा कि लेफ्ट से दसवें के लेफ्ट दूसरा, बात क्वेश्चन समझ में आया ना, मैंने कहा कि लेफ्ट से दसवें के लेफ्ट दूसरा, यानी कि अब देखें कि डायरेक्शन आपकी कैसी है, सिमिलर है, एक ही जैसी है, यानी कि 10 माइनस 2 क्या करना है, घटाना है, यानी कि 10 माइनस 2 कितना आया, 8 आया, यानी 8 कहाँ से आया, लेफ्ट से 8 आया, तो लेफ्ट से 8 लेटर होता कौन सा है, ये छोचा। अब यार एक चीज़ और देखो यार, जो भी तरीके मैं बता रहा क्यों बता रहा आपको, सिर्फ आपका समय बचाने के लिए, लेकिन आप एग्जाम में करने क्या बैठ गए, जैसे क्वेश्चन आया, उसने क्वेश्चन आपसे पूछा, उसने कहा लेफ्ट से दूसरे के राइट पहला, ये एल और आर समझ पा रहे ना, ठीक। जैसे उसने कहा लेफ्ट से दूसरे के राइट पहला, यानी कुल मिला के मान तो हमें कौन सा चाहिए, तीसरा। अब लेकिन एग्जाम में क्या कर रहे हैं, 2 प्लस 1 बराबर 3, यार भाई क्या जरूरत है, कोई डिस्क्रिप्टिव तो नहीं आपसे पूछा जा रहा है, नहीं करके दिखाइए। तो जैसे आपसे क्वेश्चन देखने मिलता है दूसरे के पहला, यानी कि मान क्या होना, जैसे आपने देखा डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, यानी मान जुड़ना है, तीसरा मान आया, कहाँ से है तीसरा आया, लेफ्ट से तीसरा आया, तो तीसरा होता क्या है, सी हो जाएगा, पक्का ना, क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं है। अच्छा, जब इन क्वेश्चन को आपने देखा तो इन क्वेश्चन पर आप एक नोटिस करिए कि जो भी मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको दिए कहाँ से दिए, कहाँ से दिए आपको हमने, लेफ्ट से दिए, कहाँ से दिए, लेफ्ट से दिए, कहाँ से दिए, लेफ्ट से दिए, ठीक। अब जैसे मान के चलिए इसी क्वेश्चन को वो किस तरीके से पूछ देता, लेफ्ट से ना बोल करके कहाँ से पूछ लेता, राइट से पूछ लेता। जैसे मैं आपसे कहूँ कि राइट से दसवें के लेफ्ट दूसरा, पक्का ना, ठीक। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, अभी भी डायरेक्शन कैसी है आपकी, देखो कैसी है डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये तो तय है क्या कि 10 प्लस 2, यानी कि मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन क्या कहाँ से 12, राइट से 12। तो देखो यार बताने के लिए मैं यार फिर से एक तरीका आपको बता सकता हूँ, लेकिन यार इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ रही है। तो क्या करते हैं कि नया तरीका ना सीख करके इसी राइट 12 को, एक चीज़ जानते हैं ना, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हमें अपोजिट अंक चाहिए होता है तो क्या करते हैं, उससे किससे घटा देते हैं, 27 से घटा देते हैं। तो क्या करते हैं, इसी 12 को किससे घटा देंगे भाई, 27 से, तो 27 माइनस 12 कितना आ जाएगा भाई, कितना आ गया, 15। तो 15 मान किसका होता है, ओ का होता है, पक्का ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब जैसे मान के चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से, जैसे हमने कहा कि राइट से दूसरे के लेफ्ट पहला, यानी कुल मिला के अब ऐसे नहीं करना है कि 2 प्लस 1 बराबर 3, यार क्या मतलब है भाई इसका, बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं, यानी 2 प्लस 1 कितना मान आया, 3 मान आया, लेकिन कहाँ से 3 आया, राइट से 3। तो एग्जाम में जब आपको राइट से 3 दिखे तो 3 नहीं दिखना चाहिए, कितना दिखना चाहिए, 24 दिखना चाहिए। अब ऐसे भी नहीं करना 27 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आया, 24, क्या मतलब है भाई, 3 का मतलब कितना, 24,
पक्का? अब 24 का मतलब क्या होता है भाई? एक्स होता है, बात समझ में आएगी? नहीं पक्का? ठीक, थोड़ा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यार देखो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 2-4 मिनट आपको बेसिक फंडामेंटल बताने पड़ेंगे, थोड़ा सा सब्र करिए। आप एसएससी से लेकर के बैंक क्लैट तक के भी आप एग्जाम देंगे, इस पैटर्न से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटेगा नहीं, ठीक है? नए नए तरीके बताऊंगा, अपने अपने तरीके बताऊंगा, ठीक है? अब जैसे मान के चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अपग्रेड करके पूछता है, थोड़ा क्वेश्चन रोटेट कर देता है, वो आपसे बोलता है कि अगर इस अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम हाफ को यानी कि प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ए से लेकर के एम तक लिखी रखी थी उसको कैसे लिख दिया गया, एम से लेकर के ए तक लिख दिया, द्वितीय अर्धांश हमारे कोई चेंजमेंट नहीं किया, वो सिमिलरली जैसा था वैसे लिख दिया, ठीक है? पक्का ना? अब इस पैटर्न पे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछेगा, वो आपसे बोलेगा कि हमें इस अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से कौन सा लेटर बताओ, पहला लेटर बताओ, कौन सा लेफ्ट से पहला लेटर, ठीक? अब देखना अगर जनरली एग्जाम में हम क्वेश्चन इसी को करने के बैठते कि कोई भी चेंजमेंट ना किया जाता यानी रिवर्स ना किया जाता तो हमारा आंसर सीधे क्या चला जाता, लेफ्ट से पहला ए चला जाता। लेकिन हमने एक कोटेशन आपको दे रखी है क्या कि इस अंग्रेजी वर्ड वाला का फर्स्ट हाफ कैसा है, रिवर्स किया गया है यानी पलट दिया गया है। अब देखना जो हमारा ए आना चाहिए तो वहां पर दिख क्या रहा है, एम दिख रहा है, ठीक, यानी कोई चेंजमेंट है। अब इस चेंजमेंट को कैसे खत्म किया जाए तो इसको जरा समझते हैं। यार देखो कि जैसे ही पूरी अंग्रेजी वर्णमाला होती थी कितने लेटर होते थे उसमें, 26 होते थे, ठीक पक्का ना? तो अगर उसे पलटा जाता था या उसका विपरीत अंक हमें चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, उसे हम 27 से उसे सब्ट्रैक्ट कर देते, पक्का ना? यानी 26 थे उसमें एक जोड़ करके उसे घटा देते थे। अब इस अर्धांश को आप अर्धांश मत मानिए, इसे क्या मानिए, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला मान लीजिए। तो लेटर इसमें कितने हैं भाई, 13 है, पक्का 13 है, तो किससे घटाएंगे, 14 से, बस इतना सा करना है। क्या करना है कि इसमें लेटर कितने थे, 13 थे, यानी कि हम इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने से घटा देंगे, 14 से। यानी कि अगर मैंने कहा कि लेफ्ट से पहला लेटर बताओ तो पहला मत देखिए, इसे क्या देखेंगे, 14 माइनस 1, यानी कुल मिला के मान कौन सा चाहिए हमें, 13 चाहिए, 13 लेटर होता कौन सा है एम, बात समझ में आई कि नहीं, देखो एम रखा है कि नहीं रखा। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन आपने मान लो पूछ लिया उसने लेफ्ट से 10वां लेटर, तो लेफ्ट से 10वां लेटर भाई कौन सा होता है, लेफ्ट से 10वां लेटर कौन सा होता है, जे होता है। लेकिन अब क्या है, जे तो आएगा नहीं, क्यों, हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया, तो 14 माइनस 10, अब ये ना करना, अभी 14 माइनस 10 वही चीज़ें करने लगे। यानी 10वां क्वेश्चन दिखा, अगर उसने कोटेशन लगा रखी कि रिवर्स है यानी फर्स्ट हाफ चेंज है, तो 10 का मतलब कितना, 14 माइनस 10 यानी कितना आ गया, 4 आ गया, यानी 4 का मतलब क्या आ गया, डी आ गया, बात समझ में आया कि नहीं। अब जरूरी थोड़ी ना, अब कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे बताया वो भी अटैच में चलते रहेंगे। जैसे उसने वो क्वेश्चन बोल रहा है कि लेफ्ट से 10वें के राइट दूसरा, ठीक, क्वेश्चन का फॉर्मेट अभी यही टाइप बताया ना हमने आपको कि जैसे डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो क्या करना है, एडिशन करना है यानी जोड़ना है। तो 10 2 कितना हो गया, 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 का मतलब अब देखना, 12 आ गया, कहाँ से 12 आया, लेफ्ट से 12 आया, पक्का ना? तो लेफ्ट से 12 लेटर। अब लेकिन अगर 12 ये आंसर चला जाता, लेकिन क्या है, फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो इस रिवर्स में जो चेंजमेंट आया उस चेंजमेंट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसे किससे घटाएंगे, 14 से घटा देंगे। तो 14 माइनस 12 क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो 2 का मतलब क्या मिल गया भैया, बी मिल गया, बात समझ में आएगी नहीं, पक्का? ठीक, अब देखना यार मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करा के एक बात आपसे कहना चाहूँगा। देखो यार जो ये क्वेश्चन मैंने कराया ये भी कहाँ से कराया, लेफ्ट से कराया, ये कहाँ से कराया, लेफ्ट से कराया, ये कहाँ से कराया, लेफ्ट से कराया, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट मैंने फिर से लेफ्ट से बता दिए, यानी राइट का कॉन्सेप्ट क्या दूसरा होगा, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि देखो यार सीधी सी बात, जिसने कहते हैं ये ट्रिक वो ट्रिक, यार ट्रिक वही होती जो एक कॉन्सेप्ट पे या एक टाइप के क्वेश्चन हर पे अप्लाई हो जाए, पता लगे हर कॉन्सेप्ट पे हर क्वेश्चन के लिए कुछ नया सीखना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है। तो देखो कुछ कोई चेंजमेंट नहीं होगा इसी क्वेश्चन को, अगर ऐसे कह दे आपसे कि मुझे कि राइट से 10वें के लेफ्ट पहला लेटर, पक्का? यानी कि राइट से 10वें के लेफ्ट पहला लेटर, यानी डायरेक्शन कैसी थी भाई, अपोजिट थी, तो अपोजिट में क्या होना है, 10 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन ये 11 कहाँ से हो जाएगा, राइट से 11 हो जाएगा, पक्का ना, राइट से 11। अब राइट से 11 हमने कहा कि यार भाई देखो मैं तरीका तो इसका भी सिखा सकता हूँ कि राइट को लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए इस राइट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने एक चीज़ तो भाई सीधी आसान से जानते हो ना कि राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसे 27 से घटा देते, 27 से घटा देते, या हम कहेंगे लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटा देते हैं, या ये कह लेंगे राइट से लेफ्ट में आने के लिए 27 से घटा, तो कोई फर्क नहीं है। तो इस राइट से हम 11 कह लें, या अगर हम इसे लेफ्ट में बता
बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, पक्का ना, यानी कि हमें लेटर चाहिए 16। ठीक, अब भाई एक नई समस्या खड़ी हो गई, पता क्या कि मान कितना आ गया, 16 आ गया भाई। अब यार ये 16 हमने बोला कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है तो यानी इसे 14 से घटाना पड़ेगा। अब एक नई समस्या आ गई भाई कि 14 माइनस 16 करेंगे तो ये माइनस का 2 आ रहा, अब क्या, यानी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट गलत हो गया। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं गलत हुआ यार, देखिए यार कितना मान हमें निकालना था, 16 लेटर चाहिए था। यार एक चीज़ मुझे बताओ, जब हमारे इस अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर कितने हैं भाई, कितने लेटर प्रथम अर्धांश में, 13 ही हैं, और 13 के बाद हमें मान कौन सा चाहिए, 16, तो यानी कहीं ना कहीं इस फर्स्ट हाफ से ये लेटर निकल के कहाँ पहुँच गया, सेकेंड हाफ में पहुँच गया, यानी हमारा फर्स्ट हाफ के रिवर्स होने या ना होने से मुझे कोई फर्क है ही नहीं। यानी कुल मिला के ये 16 लेटर जो भी एक्चुअल में मान रखता होगा, 16 लेटर कौन सा होता है, पी रखता है, यानी सीधे से आंसर पी हो गया। ठीक, यानी कुल मिला के अभी तक जो भी मैंने टाइप बताया उसको एक बार समराइज कराना चाहूँगा, क्या क्या मैंने आपको बताया, क्या क्या आप चीज़ें सीखे। यानी कि मैंने बताया अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, यानी कि इसको अगर दो अर्धांशों में बांटा जाए तो फर्स्ट हाफ में ए से लेकर एम तक 13 लेटर, ऐसे सिमिलरली एन से लेकर के जेड तक 13 लेटर, पक्का ना। ठीक, फिर मैंने आपसे कहा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट दिया जाए तो उस अर्धांश के चेंजमेंट को खत्म करने के किससे घटाएंगे, 14 से घटाएंगे, पक्का ना। एक बार रिवाइज कराना चाहेंगे जो भी चीज़ मैंने अभी आपको बताई, मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वयं से खुद में कोई दायां बायां नहीं होता, जो हमारा दायां बायां होता वही अंग्रेजी वर्णमाला का दायां बायां होता, पक्का ना। फिर मैंने बताया अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश में लेटर कितने होते हैं, 13, ऐसे सिमिलरली द्वितीय अर्धांश में लेटर कितने होते हैं, 13, यानी कुल मिला के लेटर पूरी सीरीज में कितने हो गए, 26। फिर हमने कहा कि अगर प्रथम अर्धांश को चेंजमेंट कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, पलट के लिख दिया जाए तो उस चेंजमेंट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उस मान को किससे घटाएंगे, 14 से घटाएंगे, पक्का ना। देखो यार एग्जाम में जब कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है सिमिलरली फिर वो दो तीन क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो जब दो तीन क्वेश्चन पूछेगा ना भाई तो एक क्वेश्चन जरूर रखा होगा वहाँ पर, पता क्या वो बोलेगा कि इस प्रथम अर्धांश को पलटने में किस अक्षर का मान चेंज नहीं होगा। तो नोटिस करिएगा किसका मान चेंज नहीं हो रहा, जी का मान चेंज नहीं हो रहा, बात समझे कि नहीं समझे। ठीक यार, सीधे टाइम बचे इसलिए चीज को मैं मॉडिफाई करके बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अच्छा ऐसा होता क्यों, जी का मान चेंज क्यों नहीं होता, तो देखो यार जी का मान होता कितना, कितना होता भाई, 7 होता है, और जब इस 14 को आप 7 से घटाएंगे ना तो कितना मिल जाएगा, 7 ही मिल जाएगा, इस वजह से जी का मान चेंज नहीं होता। ठीक यार, देखो ट्रिक ऐसी कुछ नहीं कि बस किताब में कुछ दे, यार यही सारी चीज़ें हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन आप देखते हैं, जैसे ट्रिक का नाम दे दिया तो कोई ट्रिक नहीं होती यार, सब बेसिक से ही निकल के आता है। जैसे अभी इसी क्वेश्चन को प्रथम अर्धांश ना बोलकर क्या बोल दे, द्वितीय अर्धांश चेंज कर दिया जाए। अच्छा अब देखते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन को पहले बोला था उसने क्या कि कौन सा हाफ रिवर्स किया जा रहा था, फर्स्ट हाफ रिवर्स किया जा रहा था, अब लेकिन उसने फर्स्ट हाफ को कैसे रखा है, सेम रखा है, उसने उसको चेंज नहीं किया, अब क्या कर दिया, सेकंड हाफ को क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया है, यानी कि जो क्रम एन से लेकर के जेड तक होना चाहिए था उसने क्या कर दिया, जेड से एन कर दिया, पक्का। ठीक, तो यानी फर्स्ट हाफ में तो हम सीख रखे थे कि उस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, उसे वैल्यू को 14 से घटाएंगे, लेकिन अब सेकंड हाफ में क्या करेंगे, तो कुछ बड़ा काम नहीं करना है, कुछ भी नया काम नहीं करना, बस क्या है कि जैसे फर्स्ट हाफ में आप उसे 14 से घटाते हैं, सेकंड हाफ में उसे सिर्फ और सिर्फ 40 से घटाते हैं। ठीक, देखना कैसे, जैसे हमने कहा कि लेफ्ट से दसवें के राइट दूसरा, यानी देखिए डायरेक्शन कैसी थी आपकी, लेफ्ट और राइट यानी अपोजिट है, यानी मान क्या होगा, 10 2 12 हो जाएगा, पक्का ना। लेकिन कहाँ से 12, लेफ्ट से 12। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया कि लेफ्ट से दसवें के राइट 9वां, यानी कुल मिला के एक चीज़ आपको ने देखी क्या, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, यानी कि मान कितना हो जाएगा, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। लेकिन ये 19 कहाँ से, लेफ्ट से 19। तो लेफ्ट से 19 साधारण तरीके से अगर हम देखें वर्णमाला में क्या होता है, यस हो जाता है, लेकिन उसने एक कोटेशन दे रखी है, आपको एक पॉइंट दे रखा क्या कि सेकेंड अर्धांश कैसा कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। यार अब चेंज कर दिया गया तो मैंने कहा कि इस चेंजमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 40 से घटा देंगे, 40 माइनस 19 कितना आ गया, 21, सॉरी कितना आया, ठीक अब आया 19। तो इस 19 को, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसे किससे घटा देंगे, 40 माइनस 19, यानी कितना मिल गया हमें, 21 मिल गया, पक्का ना। ठीक, अब 21 का मतलब क्या हो गया, यू हो गया। ठीक, क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जैसे इसी क्वेश्चन को लेफ्ट से ना पूछ कर कैसे पूछ लेता, राइट से पूछ लेता, वो कहता कि राइट से दसवें के लेफ्ट दूसरा,
यानी कुल मिला के मान उसे कौन सा चाहिए, देखो डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, अपोजिट है यानी कि मान जुड़ जाएगा, तो 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, पक्का ना, क्लियर। तो ये 12 कहाँ से, राइट से 12, अब राइट से 12 का तो कॉन्सेप्ट आता नहीं, फिर क्या करेंगे इस राइट के 12 को किस में चेंज कर लेंगे, लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, तो राइट से 12 कहें या लेफ्ट से 15, 15 कहाँ से आया भैया, कुछ नहीं, 27 - 12 कर दिया, कितना मिल गया 15, ठीक, क्लियर ना। तो यार अब 15 आ गया, अब वही बात कि अगर सेकंड अर्धांश में मान है हमारा, उस सेकंड मान में पहुंच जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसे किससे घटा देंगे, 40 - 15 यानी कितना मिल गया 25, 25 का मतलब कितना 15, बात समझे कि नहीं समझे। यानी कुल मिला के एक चीज़ हमने यहाँ पर सीखी कि लेफ्ट से अगर कुछ दे रहा है तो सीधे सीधे एक काम करना है, फर्स्ट हाफ में है तो 14 से घटाना है, सेकंड हाफ में है तो 44 से घटाना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट 14 और 40 कहाँ के लिए, लेफ्ट के लिए, लेकिन अगर मान ले राइट से पूछ ले तो कुछ नहीं, सिर्फ आपका एक काम बढ़ जाएगा कि उस राइट को सबसे पहले आप लेफ्ट में लेकर के आइए, लेफ्ट में जब आ जाएगा तो सेम वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट हाफ में है तो 14, सेकंड हाफ में है तो 40। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो, जैसे मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाना चाहूँगा, जैसे मैं इसी क्वेश्चन कर रहा हूँ राइट से 10वें के लेफ्ट 9वां, ठीक, मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा राइट से 10वें के लेफ्ट कौन सा लेटर चाहिए, 9वां चाहिए, यानी कुल मिला के मान तो आपको 19वां चाहिए, क्लियर ना, 19वां चाहिए, लेकिन कहाँ से 19वां, राइट से 19वां, अब राइट से 19वां तो राइट से 19 का तो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, तो छोड़ो, यानी कि राइट से 19 कह लें या लेफ्ट से 8 कह लें, ठीक भाई, क्या किया हमने, कुछ नहीं, 27 - 19 यही तो किया ना, 27 - 19 करेंगे क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा, यानी लेफ्ट से 8वां लेटर चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है क्या, सेकंड अर्धांश चेंज। अब यार एक चीज़ सोचना, जैसे कि लेफ्ट माइनस 8 4, यानी कि लेफ्ट लेटर हमारा कौन सा आ गया, 8वां आ गया, लेकिन जब इसे आप 40 से घटाएंगे ना तो 40 - 8 कितना मिल गया, 32 मिल गया भाई, 32 तो कोई लेटर ही नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो गड़बड़ पता क्या कर रहे हैं, जो हमें लेफ्ट से लेटर जो 8वां चाहिए था ना, तो आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। अब यार एक चीज़ सोचो कि लेफ्ट से लेटर 8वां पड़ेगा कहाँ, लेफ्ट से 8वां लेटर तो प्रथम अर्धांश में ही पड़ जाएगा, प्रथम अर्धांश में क्या कोई चेंजमेंट है, नहीं ना, तो अगर कोई चेंजमेंट है नहीं तो जरूरत क्या है भाई 40 से घटाने की, तो लेफ्ट से 8वां जो लेटर 8वां होता है भाई आंसर चला जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। यानी कुल मिला के अभी तक तो जो सारी चीज़ें बताई एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगा, ध्यान सुनना, मैंने कहा कि अंग्रेजी बड़वाला, अंग्रेजी बड़वाला में लेटर कितने 26 यानी 26, मैंने कहा अंग्रेजी बड़वाला किसी भी लेटर का अपोजिट हमें चाहिए होगा तुम क्या करेंगे उसे 27 से घटा देंगे, पक्का ना, फिर मैंने कहा अंग्रेजी बड़वाला को दो भागों में बांट सकते हैं, फर्स्ट हाफ यानी ए से लेकर एम तक, सेकेंड हाफ यानी एन से लेकर जेड तक, मैंने कहा कि अगर अंग्रेजी बड़वाला का प्रथम अर्धांश पलट दिया जाए तो उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए किससे घटाएंगे उसे 14 से घटा देंगे, मैंने कहा कि अगर प्रथम अर्धांश चेंजमेंट होता किसका मान चेंज नहीं होता, जी का मान चेंज नहीं होता, पक्का ना। अच्छा कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे पता क्या, कि चलो ये तो समझ में आ गया कि 14 ये 40, ये 14 और 40 आए कहाँ से, क्यों घटाया हम 14, ये भी तो यार भाई उनकी संतुष्टि के लिए, खैर एग्जाम में आपसे पूछने नहीं जा रहा क्यों कि ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए बताता हूँ, ये ट्रिक कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल समझना। देखो यार जी का मान कितना होता था मिड में, फर्स्ट हाफ चेंज नहीं होता था, कौन सा चेंज नहीं होता था, जी नहीं होता, मान कितना होता जी का 7, तो किससे घटा रहे 14 से, ऐसे सेकंड हाफ जब देखेंगे तो किसका मान चेंज नहीं हो रहा, टी का मान नहीं चेंज हो रहा, और टी की वैल्यू भाई होती कितनी है 20, इसीलिए हम किससे घटाते हैं 40, और सब कुछ नहीं है, बस यही सब है, बस चीज़ों को घुमा घुमा के आपको देता है और आप घूमते रहते हैं फिलहाल, चलिए ठीक। यानी कुल मिला के मैंने आपसे कहा, फिर से एक बार बोलूँगा, मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ अगर की चेंजमेंट तो किससे घटाएंगे 14 से, फर्स्ट हाफ में किसका मान चेंज नहीं होता जी का, फिर मैंने कहा कि अगर मान चलिए इस लेफ्ट ना देकर किससे पूछ ले राइट से पूछ ले तो क्या करेंगे उस राइट को पहले हम लेफ्ट में बदलेंगे, ठीक। सिमिलरली ऐसे सेकंड हाफ अगर चेंजमेंट हो तो हम क्या करेंगे उससे किससे घटाएंगे 40 से घटाएंगे, अगर सेकंड हाफ में भी वैल्यू लेफ्ट से ना राइट से पूछ ली जाए तो क्या करेंगे पहले उसे 27 से घटाएंगे, और फिर 27 से घटाने के बाद फिर क्या करेंगे 40 से घटाएंगे, लेकिन 40 से घटाने से पहले एक बार ये जरूर देख लेंगे कि जो मान हम ढूंढने जा रहे हैं वो मान उस अर्धांश में है भी या नहीं है। अगर मान के चलो जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि लेफ्ट से 8वां लेटर चाहिए, अर्धांश तो हमारा दूसरा चेंज है, और लेफ्ट से 8वां लेटर तो प्रथम अर्धांश में ही पड़ जाएगा, तो क्या जरूरत है भाई चेंज होता रहे दूसरा अर्धांश में, क्या मतलब है प्राण दे दे वो पूरा कि नहीं हम तो चेंज है चेंज है चेंज है फर्क डाल के जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तुम्हारा पहले लेटर में है, पहले अर्धांश में, तो पहले अर्धांश का लेटर आंसर क्या चला जाएगा ये चल रहा है, पक्का ना, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। चलिए ठीक, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और थर्ड टाइप में अगर हम देखें तो इसी क्वेश्चन में पता वो क्या बोल देगा,
अब देखना नेक्स्ट टाइप में हम थर्ड टाइप में देखेंगे उसको, तो क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अपग्रेड करके या नए तरीके से बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि अब पहला दूसरा चेंज नहीं हो रहा, मान के चलो दोनों वरदान चेंज हो जाए, यानी कि ए से लेकर के यम तक लिख दिया जाए और जेड से लेकर के एम तक लिख दिया जाए, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर दोनों वरदान चेंज हो जाए तो बस हमें दोनों के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। जैसे अगर क्वेश्चन कहे कि लेफ्ट से दसवें के राइट दूसरा लेटर हमें बताओ, तो यानी मान कौन सा चाहिए, बारहवां चाहिए। अब आप सोचिए कि ये बारहवां लेटर पड़ेगा कहाँ, प्रथम वरदान से पड़ेगा, तो प्रथम वरदान से पड़ेगा यानी कि इससे घटाएंगे, 14 से घटाएंगे, क्या आंसर मिलेगा, दो, दो का मतलब कितना, बी। ऐसे वो कह देता कि लेफ्ट से दसवें के राइट नौवां लेटर बताओ, तो भैया लेटर कौन सा चाहिए, 19वां। अब मान 13 से बड़ा है यानी कि दूसरे वरदान से पड़ेगा, तो यानी क्या करेंगे, किससे घटाएंगे, 40 से घटा देंगे। भैया कुछ नया थोड़ी ना करना, सारी चीजें एक दूसरे के कनेक्टेड रहती हैं। ठीक भाई, चलिए ठीक। अब यार ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बुक्स वगैरह में भी मिल सकता है, लेकिन हम सेकंड सीरीज में आपसे ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें आपको देना चाहेंगे जो आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे, मेरी खुद की मेहनत है। ठीक है, तो प्लीज़ हो सके तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज, थैंक यू।